अच्छा मुफ्ती साहब, मैं आ गया, तो मैं सामने बैठा हूँ, आ जाए आप। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज तारीख 7 जून 2021, मैं ईसा इब्ने मरियम महदी अलैहिस्सलाम हूँ। ईसा इब्ने मरियम दोबारा जन्म महदी अलैहिस्सलाम आ गया हूँ और मसीह दज्जाल फिरौन जैसे छोटे मसीह की रियासत सारे दुनिया में फैली हुई और बनी इसराइलियों को याकूब अलैहिस्सलाम की नस्ल को और उनकी औलाद की नस्ल को गुलाम बनाया हुआ है और उन्हीं में मैं पैदा हुआ उनको पाक करने के लिए दुनिया गवा रहे हैं। आइए मैं आपको आधा घंटा दे सकूंगा इंशाल्लाह, कोई अहमद जी है तो आइए जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी खातमुन नबियीन, लब्बैक 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 या सय्यदी खातमुन नबियीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ताजदारे खत्म कुवत जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दुनिया के हर झूठे कज़्ज़ाब के ऊपर लानत बेशुमार, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्यों ना हो, चाहे कोई मायजी नहीं क्यों ना हो, मुनाफिक नहीं क्यों ना हो, क्योंकि याद रखिए आप जो है ना अपने खत्मे नबूवत चलाते हुए बात करी के लिए कह के मुझे नबूवत का इल्जाम लगाते हैं, ये हराम है आपके लिए। याद रखिए उलमाए हक में आई और उलमाए सुसे निकले और मैं नबी नहीं किसी भी किस्म का। आखिरी नबी मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, उनके बाद कोई नबी नहीं, ना जमीन से ना आसमां से। मेरा अकीदा है, ये मेरा ईमान है। कुरान और हदीस शरीफ आखिरी शरीयत और सारे अंबिया अलैहि सलाम में फर्क नहीं करना है, सारे मुसलमान सलाम में फर्क नहीं करना है, वरना काफिर हो जाएंगे। सब जो इज्जत सबको देते हैं पूर्व को देना है, ये मेरा ईमान है। मधु साहब आप जरा थोड़ी सी खामोशी इख्तियार कीजिए बात करने का, क्योंकि अभी इस गुफ्तगू के अंदर तीन बंदे शामिल हैं तो आप बीच में बगैर इजाजत के बोले जा रहे हैं बात करने। मैं आपको बोलने की इजाजत देता हूँ, आप अभी चुप रहिए, अभी बिल्कुल खामोशी इख्तियार, मगर म्यूट मत करना। हाँ बस देखिये, मैं म्यूट आपको नहीं करता, लेकिन ये है कि आप इस जब तक गुफ्तगू में शामिल रहेंगे, आपको जब बोलने का कहा जाए तो फिर आपको बोलने ब्राय करम आप और आप ही मुझे बोलेंगे। सुनिए दूसरे बोलेंगे तो मैं नहीं बोलूंगा, आप बोलेंगे बोलिए मधु साहब को मैं कभी बोलूंगा, आप बोलेंगे रुक जाइए तो मैं रुक जाऊंगा इंशाल्लाह। जी मैं ना आज की गुफ्तगू के अंदर एक सालिस की हैसियत से गुफ्तगू मैंने नहीं करनी, गुफ्तगू आपसे करेंगे जनाब जाहिद खान साहब मौजूद है हमारे साथ। और जाहिद खान साहब आपको आवाज आ रही है? हाँ जी आवाज आ रही है। आप अपना मुफ्ती साहब एक और नबी हैं हमारे, उनको भी शामिल कर लें, अतर साहब। अरे भाई मैं नबी को मैं कोई नबी नहीं हूँ, मैं सिर्फ अल्लाह रसूल। मधु साहब आप फिर बोलें। जब वो जाहिद साहब तो आपकी बात सुन रहे थे तो वो खामोशी से सुन रहे थे कि नहीं? ओके, कोई इंसानियत होती है, चुप करके सुने, आपको जब बोले आप बोले। अच्छा ये जाहिद साहब आप बात कर रहे हैं। मुफ्ती साहब मैंने अर्ज की है वो अतर साहब आना चाहते हैं, वो भी नबी है। चलो ठीक है, ठीक है एक सेकंड जी। अच्छा उतनी देर जब वो तशरीफ करते हैं तो आप दोनों साहिबान आपस में कुछ चीजें तय कर लें, क्योंकि मेरे साथ इंडिया से ताल्लुक रखने वाले मौदूद साहब मौजूद हैं जिनका दावा है कि मैं रसूल हूँ, मैं इमाम मेहदी हूँ और मैं ईसा इब्ने मरियम। और मौदूद साहब आप भी सुन लीजिए कि ये आपके साथ जो आप शामिल होंगे गुफ्तगू में वो है जाहिद खान साहब जिनका ताल्लुक जनाब जर्मनी से है। तो इनका दावा है कि ये नबी है और खुदा का दिल है और भी इनके दावा जब काफी है तो वो तो जब आप दोनों की बात होगी तो फिर आप दोनों एक दूसरे से पूछ लीजिएगा कि क्या दावा। ठीक है जी, तो अब आपको
ठीक है, देखिए अल्लाह ताला ने इस जमात अहमदिया को पसंद फरमाया है सारी दुनिया में, ताकि बनी इसराइलियों को यानी याकूब अलैहिस्सलाम की नस्ल को यहूदियों की नस्ल को इसमें जमा करके, इसका वादा तौरात में और कुरान में भी है। लिहाजा अल्लाह ताला ने जितने लोगों ने उनको जमा किया गया इसी जमात में, ताकि उनको छोटा मसीह कैसा होता है पता चले और सच्चा मसीह कैसा होता है पता चले। लेकिन जो यहूदी बनी इसराइली ईमान ले आए थे आखिरी नबी पर और वो मसीह दज्जाल के फितने में नहीं पड़े, मेरे मुनकर नहीं, मुनकर नहीं रहे, उनको अल्लाह ताला ने खुला छोड़ रखा है। जैसे अफगान में मुसलमान है, पाकिस्तान है, पठान लोग सारे दुनिया में, तो ये अलग है। और अल्लाह ताला ने मुनाफिकों को कर्जा जो झूठे मसीह के यानी मुझे इनकार करे थे और झूठे तो अल्लाह ताला ने गवाह बनाने के लिए झूठे मसीह के हवाले कर दिया पूरी जमात अहमदिया को, और पूरी जमात अहमदिया बनी इसराइली अतर को ले लें फिर आप वो आगे है। इसके मतलब अर्ज ये है कि अगर ये शख्स जमात अहमदिया को झूठा कहता है तो फिर ये अपनी जो तालीमात है वो सामने रखे। जब अपनी तालीमात सामने रखेगा जो खुदा की तरफ से हैं तो फैसला खुद ही हो जाएगा। लेकिन अगर ये दूसरों को झूठा कहता रहा तो वो एक जंबा भी है, क्या नाम है उसका, गुफार, वो भी बस यही काम करता है। आने वाला जो है खुदा की तरफ से वो खुदा का पैगाम लेके आता है। अब जो मियार है कुरान का इसी मियार से ले लेते हैं, अगर वो झूठा है तो उसकी पकड़ जो है खुदा कहता है मैं पकड़ूंगा, तो ये जो साहब हैं ये ठेकेदार कब से बन गए अपना जो जमात अहमदिया को झूठा साबित करने वाले, ये अपना मुकदमा पेश करे, इसका अपना मुकदमा जो है वो तालीमात रखे, वो तालीमात से पता लग जाएगा कि जमात अहमदिया की पहुंच कहां तक है और इस शख्स की पहुंच कहां तक है। लेकिन अगर ये दूसरों को झूठा कहता है तो ये तो खुद ही अपने कटेरे में आके खड़ा हो जाता है। कुरान कहता है कि मैं उसने मुझ पे झूठ बोला है अगर किसी नबी ने तो खुदा उसको पकड़ेगा, क्योंकि तुम्हारे ऊपर तो झूठ नहीं बोला उसने। तो ये कहाँ से ठेकेदार बन गया दूसरों को झूठा कहने वाला और अपने आप को सच्चा कहने वाला? तो फिर क्या जमात अहमदिया का ये हक नहीं बनता कि वो इसको भी झूठा कहें, इसे भी दज्जाल कहें? तो अगर यही बातें करनी है तो मार्फत इलाही कहाँ गई, खुदा का पैगाम कहाँ पे गया, ये कहना है मुझे। अच्छा सिर्फ अच्छा अर्ज ये है कि जरा अतर को अपने आप को मुतारफ कराने दे, अतर अपना तारफ करा दे। फॉलोअर हूँ और उनकी तालीमात पे अमल करने की कोशिश करता हूँ और दिलोजान से उनका साथ दे रहा हूँ।
अच्छा, अब ये है कि मुफ्ती साहब, आप तो लग गए किनारे पे और आपने एक रस्सी से तीन ऊँटों को बांध दिया है, ठीक है? तो ऐसे काम नहीं चलेगा। वो एक उधर जाएगा, एक उधर जाएगा, वो कहेगा मुझे अपनी बात पूरी करनी है, तो एक एक को वक्त दे दे ताकि वो अपना बयान कर सके और दूसरे जो अफराद हैं वो खामोशी से सुने। तो मेरी अर्जी, सर, मैं पीछे बंदा बैठा हूँ, तो ये बेहतरीन आपने बात की है कि तो वक्त दे दिया जाए। तो इसका बेहतर तरीका यही है कि आप, एक तो ये है कि तस्वीर आप लोगों की नजर आ रही है, आप हाथ के इशारे से बात करने का अगले बंदे को कह सकते हैं कि भाई अब तुम रुक जाओ, मैं बात करना चाह रहा हूँ। जैसे अभी अतर साहब ने हाथ का इशारा दिया, एक तो ये चीज है। दूसरा ये तरीका है कि आप आपस में मिलकर टाइम तय करने से, 2 2 मिनट ये बोलने के, 2 मिनट ये, 2 मिनट ये, आपने खुद तय करना है। मैं इससे बंदा बैठा हूँ, चलो ठीक आप है, बात कर। हम 3 3 मिनट ले लेते हैं। तो ये अर्ज़ करें, ये कादियानियों के जो नबी, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, नाम बता दें। हाँ, मुझे याद आ गया है, मोहम्मद महमूद अहमद साहब। सो महमूद साहब, मौदूद, महदूद, 1 मिनट, मोहम्मद मौदूद अहमद खान, मोहम्मद महदूद अहमद खान, मौदूद मादूद। मौदूद अच्छा, अब ऐसे कर, मौदूद, मीम वाव दाल दबर दाल वाव दाल पेश, मौदूद। ओ बंदे के पुत्र बन और अपनी तालीम पेश कर, समझे कि नहीं? अरे मोहम्मद मोहम्मद साहब, क्या करें, तालीमात पेश मोहम्मद करें। साहब बच्चे से यहाँ बच्चे, यहाँ नाम शाम मोहम्मद मौदूद अहमद खान, पहले नाम सुन लो। सुन लिया मैंने, आप तालीम पेश करें। अच्छा, हाँ चलिए आगे जनाब, आगे। आप सुनिए। पहली बात तो जनाब, आखिरी नबी मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद ना कोई जिल्ली नबी, ना कोई अच्छा, सूरी नबी, ना कोई आसमान से नबी, ना कोई जमीन से। ये कुरान कहता है, आपने कहा ये बंदा आकर झूठ बोल रहा है, सच बोल रहा है, उसको झूठा बोल रहा है, उसको सच्चा। कुरान है पाक, फरमाता है कुरान में कि हक की अल्लाह ताला वार ना हक पे ऐसे लगाता है जो सर उठा नहीं पाता, और मैं हक हूँ अल्लाह की तरफ से, ईसा इब्ने मरियम रूह अल्लाह, दोबारा जन्मा हूँ रूहानी तौर पर, नए जिस्म के साथ महदी अलैहि सलाम बनकर जमात अहमदिया में ही, मेरे वालिदैन को जिसने अपने मुरीद बनाया था उन्हीं में जन्मा हूँ, लेकिन मैं उसका फॉलोअर कभी नहीं रखा अल्लाह ताला, और उसी के दरमियान मेरा जहूर हुआ 1991, दमिश्क के मशरिकी इलाके सफेद मीनार के पास, फजर के वक्त जब 400 औरतें 800 मर्द वहां मौजूद थे, मस्जिद अक्सा खादियान, जब मिर्जा ताहिर अहमद साहब एरोप्लेन में सफेद गधे पर जाहिर हुए एक बॉडीगार्ड के साथ, आंखों पर खुले हुए अंगूठ की तरह ऐनकें पहनकर, सनग्लासेस, और मुझे अल्लाह का लव बहुत उर्दू से मदद किया, और मैं गंदुमी जर्द चादरों में लिपटा, यानी गंदुम जो है, मसीहा को गंदुम कहा गया है, गंदुमी यानी जर्द चादरों में लिपटा, जब गंदुम जवान हो जाता है तो जर्द चादरों में, तो मैं जहूर में आया शहर हैदराबाद से, टू एजरा चैप्टर नंबर 11 के मुताबिक अल्लाह ताला मुझे शहर हैदराबाद से मेहमान फरहान रूम का लेकर गया, और वहां रूह कुद्दूस से मदद हुई, और मैंने कहा तू शैतान है, तू नहीं है, मैं असली मसीहा मेहदी महादेव, मैं आ गया हूँ, और ये ताकत मुझे अल्लाह ताला ने बोलने लगाई दमिश्क के मशरकी इलाके खादियान पंजाब 1991 में। ये वाकया हुआ जब मैं 18 साल कंप्लीट करके 19वें साल कदम रखा। ये बच्चे की कोई ताकत नहीं हो सकती, मैं कोई आलिम मुफ्ती नहीं था, लिहाजा ये पेश गोई पूरी हुई अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। तो मैं आया हूँ तो दज्जालों को, कज्जाबों को अलग पर करने के लिए, और मसीह दज्जाल को अलग करके उसे पाक करने के लिए, मैं अल्लाह की तरफ से हूँ, लिहाजा मैं नबी नहीं किसी भी खत्म का, याद रखिए, जिसने भी नबूवत का दावा किया या उसकी किसी ने तस्दीक की, दोनों ही काफिर हैं, उससे दलाइल पूछना भी हराम। याद रखिए, नबी क्या माने होते हैं, खबरें सुनाने वाला, नई खबरें अल्लाह से पाकर, नई खबरें कोई आने वाली नहीं, मैं खुशखबरी सुनाने के लिए आया हूँ, डराने के लिए आया हूँ, खुशखबरी ये सुनाने के लिए आया हूँ, सारे अंबिया अलैहिस्सलाम की पेशगोइयां पूरी हुई, मेरे आका मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशगोइयां पूरी हुई, मसीह दज्जाल जाहिर हो गया, याजूज माजूज निकल गए, दावतुल मिनार जाहिर हो गया, और मैं ईसा इब्ने मरियम दोबारा जन्म लेकर आ अच्छा, गया। आपके 3 मिनट पूरे हो गए हैं, जी ठीक जनाब, ठीक है ना?
आपने कुछ कहना है अतर साहब, तो आपने कहना तो आप कहें, वरना उस जी, बहुत शुक्रिया मिस्टर साहब। मैं कुछ कहना चाहूंगा, पहले तो इन मौजूद साहब को कि इनकी अपनी ग्रामर में इतनी मिस्टेक्स हैं कि 22 के करीब तो मैंने गिनी है। तो अच्छा दूसरे की तदलील करने से पहले, जो करेक्शन करने से पहले, इंसान को अपने गिरेबान में झांकना चाहिए कि भाई मैं खुद बोलने में इतनी मिस्टेक्स करता हूँ, तो दूसरे का तलफ़ुज़ जरूरी करना मेरे लिए कोई इतना इंपॉर्टेंट है, मज़मून पे आने की कोशिश करें। दूसरी बात, आपकी तालीमात पूछी गई थी, आपकी तालीमात क्या है? आपका चलिए जवाब शजरा दे नसर दीजिएगा। नहीं, आप सुने जरा, दो या आप तीन मिनट सुने सुनिए। ओके, सुने। और अपना अपना आप जवाब दीजिएगा जाहिद खान साहब के 3 मिनट के बाद। बात यह है कि आपसे तालीमात पूछी गई थी, आपने अपनी बायोग्राफी बता दी, तो वो हमने गूगल पे देखी है। जो टू दी पॉइंट आपसे सवाल किया जाए, आप उस पर तवज्जो करें, तो हमें पढ़े लिखे लोग हैं, हमें समझ आ जाती है आपकी बात की। ठीक है, अब जो आपने बात कही है कुरान की, वो आपकी हुज्जत है। आप ये कैसे साबित करेंगे किसी गैर मुस्लिम को कि आप वो मसीह हैं जिस बात का आपने दावा किया है वो आप हैं? कुरान मेरे लिए तो हुज्जत नहीं है। अगर मैं ईसाई हूँ तो फिर भी, अगर मैं यहूदी हूँ, किसी भी तालीमात से मैं मुलहिद हूँ, फिर मिसाल के तौर पे, आप मुझे कैसे साबित करेंगे अपनी तालीमात? आप अपनी तालीमात पहले पेश तो करें वो है क्या, उसके बाद वो फिर मेयार लेके आए जिस मेयार पे वो साबित हो इस्लाम से बाहर, क्योंकि इस्लाम आपकी हुजत है, दूसरे किसी और की नहीं है। और मैं अपना आखिरी मिनट यूज करूंगा अपने लिए। मैं हक तआला से मिला हूँ, खुदा की जात से मिला हूँ 18 दफा। अल्लाह तबारक ताला ने आपके मजार की सख्त लपेट दी है, ना आप अपने नबी से मिले हैं, ना आप कभी खुदा से मिले हैं, ना ही आप फरिश्तों से मिले हैं, ना ही आपने जन्नत और कौसर देखी है। आप दावा जिन मौजूदात को सामने रख के करते हैं, उन मौजूदात की खुदा ने सख्त लपेट दी है। और अब आपको ये भी मैं बता दूं कि आपकी रूह की एक शक्ल है जो आपने कभी देखी भी नहीं है। आपको ये भी नहीं पता कि रूह का असल रंग क्या है, उसमें नूर के रंग कैसे होते हैं। ये सारी वो नई तालीमात है जो खुदा अब दे रहा है जायद खान साहब के तवसुत से। उन पे इतराज करने से पहले, उन पे सवाल करने से पहले, उनकी तालीमात को किताब को यूरोपियन की तरह आप पढ़ लें, उसके बाद वो पढ़ें। अतर साहब आप 3-3 मिनट का एहसास ठीक है, रखिए, मौजूद साहब को भी बोलने का मौका दें, ठीक है, वो हो अपने गए वक्त हैं, पे आप नजर रखें। तो ठीक है, अब मैंने बोलना है जी, मैंने बोलना है जी, मुझे तो वक्त ही नहीं दिया। अच्छा, मैंने इन साहब को देखा है, जो भी इनके दावा जात हैं, 10 दफ़ा ये इनकार कर चुके हैं अपने दावों का, तो इन पे इतबार कौन करेगा? इनकी ऑडियोज जो हैं वो देखी जा सकती हैं कि कितनी कितनी दफ़ा इन्होंने इनकार किया है अपने दावे का। तो ये तो अपने दावे में खुद ही झूठे हो जाते हैं, नंबर एक बात। नंबर दो बात, जैसे वो अतर ने कही है कि तुम्हारा कुरान हमारे लिए हुज्जत नहीं हो सकता, और एक मलहद जो इनकार करता है खुदा का, उनको तुम्हारे कुरान से क्या ताल्लुक? वो तो दलाइल मांगेगा। फिर ये भी नहीं पता इन शख्स को कि कुरान जो है वो अंबिया का इंकार नहीं करता। वो कहता है ए आदम की औलाद, फिर कभी रसूल आए और वो तुम्हें हमारी आयात पढ़कर सुनाएं, यानी मार्फत इलाही के अगले पैगाम दें, तो तुमने उनकी बात को सुनकर मार्फत इलाही की तरफ जाना है। तुम्हें क्या मिलेगा? खौफ और गम से निजात मिल जाएगी। तो जब तुम्हें अपने कुरान की खबर नहीं, तो ऐवें ही बड़के मारना कि मैं ये हूं मैं वो हूं। चलो ठीक है, मान लिया आप जो भी है, तो 10 दफा तो आप अपने दावे का इंकार कर चुके हैं। नंबर दो बात, कुरान खुद ही कहता है हम जब चाहें कोई आयत को मंसूख कर सकते हैं,
और उससे बेहतर पैगाम ला सकते हैं। तो मेरा सवाल ये है कि क्या आप ठेकेदार बने हुए हैं कुरान के? अब जमात अहमदिया की बात कर लेते हैं, ज़िली बरोजी कोई चीज़ होती नहीं नबूवत के अंदर। और दूसरी बात ये, नबी नबी को नहीं बना सकता। तो ये जो आप कह रहे हैं कि नबी ने ये हम ये किया वो किया, नबी की ये ताकत ही नहीं है। आपकी तालीमात आपके खिलाफ जाती हैं, नबी बात मुकम्मल कर लूँ जी, एक सेकंड में। खुदा जो है वो नबी बनाता है। मेरा टाइम तो अभी था लेकिन चलो खैर मैंने छोड़ दिया। आ जाए जी मोहम्मद साहब, महमूद साहब। मैं खासा हूँ भाई, मैं खासा हूँ, मैं खासा हूँ। चलो टाइम हो गया आपका, आ जाए अतर साहब, आ जाए। जी मैंने जो आखिर में बात
की है बड़ी वैलिड है कि भाई मैं रसूल हूं तो जो मेरा इनकार करेगा वो काफिर है, तो क्या आप इस बंदे को रसूल मानते हैं कि नहीं? तो फिर अगर नहीं मानते तो फिर आप दोनों साहब काफिर हो गए बकौल इसके, तो इसका जवाब लाजमी दीजिए। हाँ देंगे, पहले अतर साहब शुरू करें आप, मैं दूंगा जी। सबसे पहले तो मुबशर साहब आप अपना हसीन चेहरा सामने लेकर आए तो मेरे लिए भी थोड़ा, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम यहाँ पे हूँ, एप्रिसिएशन की बात होगी। दूसरा ये कि आप होस्ट एंड मेजबान हैं, आपने किसी भी मेहमान के जवाब के ऊपर अपनी स्टेटमेंट नहीं देनी। आप अपनी स्टेटमेंट तब देंगे जब आप किसी और जगह पे किसी और मौजू पे बराबरी पे बात करेंगे। अभी अक्सर मेहमान है, स्टेटमेंट नहीं देंगे। अच्छा, इन मोहतरम ने बताया कि ये नबी है और अपने दावे में जो भी ये साबित करना चाहते हैं, मैंने वही सवाल दोबारा इनके सामने रखूंगा, ये मसीह है या ईसा है या जो भी है जी, कैसे पता चले? अतर साहब एक मिनट, पहली बात तो ये है कि आपने मुझे मुखातब किया है, मैं जनाब होस्ट हूँ, ठीक है जी, तो आप हजरात गेस्ट हैं और मैं समझने के एक थर्ड पार्टी के तौर पे काम कर रहा हूँ कि आप हजरात की गुफ्तगू हम सुन रहे हैं, तो जो विकेट आप गिराएंगे और जो विनर होगा उसके बाद उसका मैच मेरे साथ होगा, ठीक है जी, तो आखिरी मैच आप लोगों ने मेरे साथ खेलना है, ठीक है जी, तो वो बाद में देखते हैं, हम सुन रहे हैं, सारे लोग सुन रहे हैं बैठ के, और एक नतीजे तक हम पहुंचेंगे और आज की गुफ्तगू एक नतीजा फेज होनी चाहिए, समझ आई कि नहीं? चलो ठीक है, बात करने दें उसे, सुन लो आप स्टेटमेंट नहीं देंगे कि कौन झूठा है, ये साबित हुआ वो साबित हुआ, आप कुछ साबित नहीं करेंगे, जो लोग सुन रहे हैं वो पढ़े लिखे लोग हैं, वो खुद ही साबित कर लेंगे, आपने सिर्फ सवाल रखना है, उसके बाद अगले को फैसिलिटेट करना है, आपका ये काम है, अगर आप इस पे एग्री हैं देन यू कैन कैरी ऑन, अदरवाइज वी हैव रियली सो मेनी अदर थिंग्स इंपॉर्टेंट टू डू दैट, आर यू एग्री? सो वी कैन कैरी ऑन। ठीक है, आप अतर साहब बोलें, बाकी मैच जो मुफ्ती साहब से है ये तो होता रहता है, ये इन्होंने कौन सी विकेट गिरा दी हमारी? बहुत शुक्रिया सर, मेरा मौजूद साहब से सवाल है दोबारा वही कि इस दुनिया में 5,000 के करीब मजाहिद हैं ऑलरेडी, आप इस्लाम के दायरे से सवाल और जवाब करके अपने आप को साबित करना चाहते हैं, अहम मुमकिन है आप साबित कर पाए, लेकिन जो बाकी के 5,000-4,999 मजाहिद हैं या आउट ऑफ रिलीजन जो लोग हैं, आजाद क्या लोग हैं, यूरोपियंस हैं, पूरी दुनिया खुदा की खलकत है, उनको आप कैसे साबित करेंगे? सिर्फ एक बात ही साबित कर दें कि आप खुदा से मिले, 50 के करीब स्किज़ोफ्रेनिया की बीमारियां हैं कि इंसान दिमागी तौर पर चीजों को देखता है, सुनता है, उनका असल में वजूद नहीं होता, आपके मुंह से बात निकली हम मान लें, दुनिया इतनी जाहिल नहीं है, आपकी रूह पे अगर कोई हालत गुजरती है उसका कोई सिरा इंसान को दे ताकि वो भी उससे तालीमात की शक्ल में उससे चले उसको कि हाँ ये हमने भी किया, हमें भी ये अंदाजा हुआ, हमें भी ये तजर्बा हुआ, जैसे जाहिद खान साहब की तालीमात है पढ़े कुरान नजर आता है, तो इस बात का फायदा और जवाब तभी होगा आपके पास अगर आपका कोई रूहानी मुशाहिदा है, कोई तरीका है, उस पर कोई चल के ये देख ले जो बाकी आपके साथ ये हुआ है, आपका दावा सच्चा है, इस बात का प्लीज जवाब दे। अच्छा, मुझे भी बोलने देना, कहीं मैं मुझे बीच में ठेके पे बिठा दिया। अच्छा, अर्ज ये है कि वो जो मुफ्ती साहब ने कहा था, पहले उसका सवाल का जवाब दे दें, रसूल का इनकार या जो भी वो कोई दावेदार है हम नहीं कर सकते उसका इनकार, क्योंकि वो मामला जो है वो उस शख्स का और खुदा का हुआ है, तो मैं कहना शुरू कर दूं कि ये झूठा है, वो मैं बात पहले बयान कर चुका हूं, अगर झूठ बोलने वाला झूठ बोल रहा है तो वो झूठ खुदा पे है, तो बंदों को क्या तकलीफ़ है कि वो कहेंगे तू झूठा है, खुदा उसका मामला खुद करेगा। अब ये है कि हम तो इनकार नहीं करते, ना इनका करते हैं ना किसी और का करते हैं, हम जो सवाल रखते हैं वो ये है कि भाई वो मार्फत इलाही की तालीम बता दो कि जिसको नक्शे कदम पे हम चल के जिंदा खुदा से मिलें, हमारा ये कहना है। अच्छा, दूसरा ये है कि
आप अपने मतलब ये भी कह चुके हैं कि आप ज़हनी मरीज़ हैं, आपने खुद ही कहा है, चलो हम इसका भी छोड़ते हैं, लेकिन आपको ये नहीं खबर हुई कि दज्जाल काना इंसान नहीं है, ना वो अहमदियत है, दज्जाली फितने से मुराद कुछ और है, और इसकी तारीफ भी कर चुके हैं मोहम्मद अरबी कि वो बाई आंख से काना होगा, यानी कि रूहानियत में से उसको बहुत कम हिस्सा मिलेगा और साइंसी एतबार से वो बहुत आगे निकल चुका होगा। ये दज्जाल, ये दज्जाली फितना जो है, ये यूरोपियन कौमें हैं, ये साइंस हैं जिसमें हम रह रहे हैं। तो यहीं से पता लगता है कि आप जो बता रहे हैं, ज़रा उसको सोच समझ के बयान किया करें। अब रह गई बात ये, अभी तो मेरा वक्त रहता है, चलो ठीक है, चलो अगर आपने गिने तो ठीक है। तो अतर का जवाब, नहीं नहीं ठीक है, नहीं कोई बात नहीं, अतर का इस सवाल का जवाब दे दें जरा। आपका वक्त हो गया है, आपका वक्त हो गया है, आपका वक्त हो गया है, ठीक है, आपका वक्त हो गया भाई, वक्त हो गया आपका। ओ भाई वक्त हो गया है, वक्त हो गया है, अगले को भी वक्त दे दे। खुदा की ज्यारत करने वाले,
इसको जरा एक्सप्लेन तो करिए। तो वैसे तो ये जनाब ज्यादा विनर लग रहे हैं आपके इस मैच के, मजदूर साहब के, जिन्होंने 17 दफा ज्यारत की है, 18 दफा अख्तर साहब ने की है, ये तो बिल्कुल फेल हो गए हैं। और दाहिर साहब तो बिल्कुल ही जनाब हार चुके हैं, इन्होंने सिर्फ 2-3 दफा की है। ये माजरा क्या, कहानी क्या है, इसको जरा खेलें। ठीक है मुफ्ती साहब, सवाल किया करें, स्कोर ना बनाया करें, ठीक है, या क्रिकेट का मैच नहीं हो रहा तो सवाल किया करें और फिर आगे से जवाब सुना करें प्लीज़। या आमिर खान का बीच में अखाड़े में खुद भी कुश्ती लड़नी शुरू कर देते हैं। चलो ठीक है जी अतर साहब, हाँ ठीक है तो करें लीड, लेकिन खुद कुश्ती ना करें ना, ठीक है तो कुछ खुद कुश्ती ना करें। अच्छा भी अतर साहब शुरू करें, चलो ठीक है अतर अतर शुरू करें। अच्छा चलो मुलाकात का जो मयार है वो ये क्या है, ये सवाल इनका मुफ्ती साहब का भी बड़ा अच्छा है। एक चीज है कि खुदा की प्रेजेंस मैं महसूस करता हूँ, वो मेरी शहरत के करीब है, मैंने महसूस किया खुदा को 5 वक्त, मैं वो खुदा की जान। एक वो चीज है जो खुदा आपको महसूस करवाता है, वो क्या है? खुदा की जात जब आपको खुद अपना जलवा दे, वो उसे आप कहते हैं कलामे इलाही या मुलाकाते इलाही। वैसे तो हर ईमान वाला शख्स नमाज की हालत में बैठा है, वो यही महसूस करेगा कि मैं अपनी जिंदगी में हर नमाज में खुदा के साथ, खुदा मेरा मेरे साथ। इसे आप मुलाकात नहीं कहेंगे, इसे आप इज्ज कहेंगे, आपका इज्ज है, आप उसको महसूस करते हैं उसकी प्रेजेंस को। लेकिन उसकी मौजूदगी की दलील उसकी जात का आपके सामने जलवा गर होना है। क्या इन मोहतर साथ उनके सामने खुदा की जात जलवा गर हुई है अपने नूर ठंडे करके? जरा पिक्चर सही कर ले अपनी, पिक्चर सही करें, तस्वीर सही कर ले आप। नहीं मैंने कहना ना, मेरी बारी है। अच्छा ये मुफ्ती साहब मेरा आपसे सवाल ये है कि ये शोशा आप कहाँ से निकाल लेते हैं कि मेरी मुलाकात 3 दफ़ा खुदा से हुई? इतनी मेरे से क्वेश्चन ऐवी खाम खाई अपने आप ही। ओ भाई मेरी किताबें तो बहुत हैं भाई, मेरी किताबें तो बहुत हैं, वो ठीक है भाई, हमें खुशी है भाई, हमें खुशी है, खुशी है, हमें खुशी है। ओ खुदा के बंदे मेरा जवाब तो सुन ले। अच्छा हमें खुशी है, किसी नबी की 1000 दफ़ा हो, 1,00,000 दफ़ा हो, हमें कौन सा हसद है। लेकिन ये आम खां खाम खां अपने आप शोशे छोड़ देने, मेरी मुलाकात जो है 12 साल से हुई है। अब आप देख लें मेरी उम्र जो है वो 33 साल की है, तो मेरे पे तो एक ज़माना गुजर गया खुदा से मुलाकातों का, अभी अपना हिसाब किताब लगाते रहना। अच्छा अब बात करते हैं, अब बात करते हैं हम, हाँ वालेकुम सलाम, हाँ जी अच्छा अब बात करते हैं, वालेकुम सलाम भाई, वालेकुम सलाम। अच्छा माशाल्लाह काफ़ी बच्चे हैं इनके, अच्छा काफ़ी बच्चे हैं। अच्छा बात ये कर रहे थे कि खुदा की है जी, हाँ खुदा की ज़ात जो है वो पैगाम क्या दे रही है, यहाँ पे बात ख़त्म होती है ना। हमें पैगाम जो दिया जा रहा है वो पूरी इंसानियत को दिया जा रहा है, वो पैगाम ये है कि अब जो है इंसानियत एक
एक वन फैमिली, एक इंसानियत का खानदान होगा जिसका महवर खुदा की ज़ात होगी। हम पे वो नबूवतें पूरी हो रही हैं कि नया आसमान और नई ज़मीन आएंगे। मुराद ये है कि खुदा की मंशा पूरी हो जाएगी और नए इंसान होंगे, ये आप जैसे पुराने इंसान नहीं, नए होंगे जिनका ज़िंदा ताल्लुक होगा खुदा से। तो चाहे खुदा लाखों दफ़ा बोले, करोड़ों दफ़ा बोले, हम मुकाबला थोड़ी कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि खुदा की मंजिल क्या है। हम तो मंजिल की बात कर रहे हैं। हम कोई नबी जो है वो रास्ता है, मज़हब रास्ता है, खुदा की ज़ात मंजिल है। तो हम तो इंसानियत को मंजिल पे लेके आ रहे हैं। तो हमारी तरफ से हमने तो खुद कहा है कि ये ज़मीन अंबिया से भर जाएगी, तो हमें तो कोई इतराज़ नहीं हो सकता। अब हम इनको कैसे झूठा कह दें जो कह रहा है कि मेरा मामला खुदा के साथ हुआ है। तो ये मामला ना जमात अहमदे को हक पहुँचता है कि इन्हें झूठा कहें, क्योंकि वो बता रहे हैं। अगर कोई नई तालीमात होगी तो लोगों को बता दें। अगर वही किस्से कहानियां बयान करनी है जमात अहमदिया वाली, जैसे वो इश्क मोहम्मदी में फंसा हुआ था, तो बुलंदा मनाना ये भी इश्क मोहम्मदी में फंसा हुआ है, तो ये काम नहीं होता। काम असल में ये होता है, आने वाला नबी के इश्क में नहीं होता, वो अगली बात कर रहा होता ताकि इंसानियत को फ़ायदा पहुँचे। तो आप ये कह रहे हैं कि लाखों क्या करोड़ों जितनी चाहे मुलाकातें हों, यानी कि जो कुरान कह रहा है आपका कि मंजिल क्या चीज़ है, हम वो बयान कर रहे हैं, ये अपनी तालीमात बयान कर रहे हैं, तो हमारे इनसे दुश्मनी कैसी। हम तो किसी नबी के भी ख़िलाफ़ नहीं हैं, क्योंकि खुदा ने हमें कहा है कि नबी आते रहेंगे। तो अब जो बात जो बनती है वो ये बनती है कि अगर ये कोई ख़ास तालीमात बयान करें अपनी कि जी ये नहीं है, तो हमें तो कोई इतराज़ नहीं है, हम मानेंगे उनकी तालीमात को। तो आप बयान करें, क्या नाम है उनका, बच्चे माशाल्लाह इनके भी बड़े हैं और बच्चे माशाल्लाह मेरे भी काफ़ी हैं। अच्छा, मेरे 14 बच्चे हैं माशाल्लाह। बस मैं, अच्छा तो फिर आप दो ज़्यादा हैं। वाह 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 वाह, बस बच्चे मेरे आपसे दो से कम हैं, बच्चे मेरे भी 10 हैं। हाँ, उम्र मेरी ज़्यादा है। अच्छा, इधर आ जाए, इधर भी बना देना बच्चे, कोई 5-6। वालेकुम अस्सलाम, लो जी बच्चे देखो आज। बीवी को भी ले आए सामने ताकि उन्हें भी देख लें। अच्छा, ये दसो के ले आए सामने। ओ लो जी बच्चे ही बच्चे, बीवी से भी मिला दें, ज़रा बीवी को भी मिला दें, ज़रा हम भी अपनी बीवी। अच्छा, अभी बच्चों की बारी है, माशाल्लाह। बेटे ये आप हाउ हाउ का ओके ओके आई टॉक टू यू लेट। जी जी वाह 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 वाह, लो जी मदूद साहब की गुफ्तगू से पहले ये एक वीडियो इस्तेमाल कीजिए, ये रूहानियत के गोता खा रहे हैं, इस्तेमाल कीजिए। Yeah.
अच्छा मुफ्ती साहब, मैंने कुछ कहना है इस वीडियो के बारे में, कुछ कहना है। वो ये है कि अच्छा ये बड़ी बेटी है, अच्छा वो कहना ये है मुफ्ती साहब मैंने, कि अगर ये साहेब होते जर्मनी में, तो जैसे इनको मारा जा रहा है, जुल्म किया जा रहा है, इनको मुल्लाओं को और इन मुसलमानों को 10-10 साल कैद हो जाती। ये सुनें तो, ये हिंदुस्तान और पाकिस्तान के जाहिल मुल्ला हैं और इंतहा पसंद, ये जुल्म है जो इन पे हो रहा है। क्या ख्याल है जी अतर साहब, ठीक है? ये अतर है, ये जुल्म है। मैं हाँ जी 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 मैं जी जी बिल्कुल, तो इन पे जी जी हाँ, तो ये इन पे जुल्म हुआ है। मैं इनको मशवरा दूंगा अपने बच्चों बीवियों के साथ जर्मनी आ जाएं, तो आपके बच्चे इतने हैं, आपको तो वैसे ही काफ़ी पैसे मिलेंगे, और यहाँ आपका कोई बाल बीका नहीं कर सकता, और अगर चाहें तो मेरे नाम से सियासी पना ले ले, आपको सियासी पना भी मिल जाएगी, बल्कि बाद में अतर साहब से या मेरे से बात करें जाती। तो ये बहुत बड़ा भाई, ले आए जान बचाए अपनी बीवियों की, अपने बच्चों की, और यहाँ के अपनी तालीम पेश करें। नहीं मैं मदद कर रहा हूँ, मदद नहीं ना, और नहीं ना, गलत नहीं, नहीं गलत बात कर रहे ना। अच्छा वो मेरी बात तो सुन ले, ओ भाई मैं जवाब देता हूँ ना, जवाब भी तो सुन लिया करे। चलो ठीक है, अच्छा ओ भाई यहाँ कोई मर थोड़ी गए हैं, मैं ना मुझे एक सेकंड जवाब देने दें। आपने मुझे कहा मुफ्ती साहब मेरे यहाँ पे बड़े दुश्मन हो गए हैं, मैं यहाँ से निकलना चाहता हूँ, तो इंसानियत के नाम पर मैंने कहा मैं आपकी मदद कर देता हूँ, तो इसमें बुराई क्या है? अगर ये जो शख्स नबी बैठा हुआ है मोहम्मद साहब, मुझे नाम नहीं चढ़ता जुबान पे, अगर ये मुझे कहें कि जी आप मेरी मदद करें, तो मैं मदद करूँगा। इसे ही तो इंसानियत कहते हैं। हम तो मजमों से बाहर आके बात कर रहे हैं, हम कोई मजमों के बीच में थोड़ी बैठे हुए हैं। तो एमी खाम का बात घुमा फिरा के आगे पीछे करके ना किया करें प्लीज़। हाँ जी प्लीज बोले। मौदूद साहब आपके बोलने से पहले मैं इनकी सवाल का जवाब दे दूँ। मौदूद साहब आपने जो मुझे आफत दवाई थी और जो मैंने आपसे कहा था कि जनाब मेरे बड़े दुश्मन हो गए हैं, तो वो पूरी कहानी मैंने अपनी इस वीडियो के अंदर जर्मनी के वीजे के अंदर मैंने पेश कर दिया है। इसको आप ये रिकॉर्ड इसी की मैंने तैयार कर लिया था, मुझे पता था कि कल आप ये बात करेंगे। चले जी आप बात की भाई, मुझे बात करने देंगे? करे बात जी। सुनिए जनाब, जो इन दोनों भाइयों ने कहा इंसानियत के नाते, इंसानियत का भी कानून है, अल्लाह ने कुरान हदीस को इंसानियत के फितरते को नाफिज़ फरमाया है। ये जो हमला है दिल्ली में हुआ था 13 अप्रैल को, जो इस वक्त मैं रोजे की हालत में था, तो मैंने पहले मुखियों से कह दिया था 1 मार्च को कि मैं 6 महीने तक मैं कोई महदी मसीह होने का दावा नहीं करूंगा, कुछ नहीं करूंगा, मैं तौबा भी करता हूं, लेकिन सवाल करूंगा उलमाए दीन से कि बताइए ये निशाना तेरे साथ क्यों हुए, मसीहा महदी अलैहि सलाम की, और क्यों ये मसीह दज्जाल के निशाना मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी उसके खलीफाओं पर जाहिर हुए, क्यों ये निशाना दावतुल मिनरस के मेरे साथ हुए, ये बताइए, और ये वादा मैं निभा रहा था, और रोजे की हालत में जब मुझ पर बिल्कुल मैं जब मस्जिद में जाकर भी बैठ गया,
दिया था चुरमा अली ने, तहकीक करके बोलो कि मैं एक डॉक्टर, आप लोग डॉक्टर बन जाओ और मैं पेशेंट बन के बोलता हूँ कि ये वाकया मेरे साथ हुए हैं, मेरा ये वाकया हुआ, ये हुआ, आप बताएं कि क्यों हुआ, मैं कौन हूँ और ये मिर्जा गुलाम अहमद खालिद के खलीफा कौन है और दावत उल मिलन अर्ज़ कौन है, तो मैं इस पर कायम था। लेकिन ये जाहिलों ने जो हमला किया मस्जिद में, ढोकलाहड में, दिल्ली में, ये सारे लोग 25-30 लोग, 100 लोग, 200 लोग मिलकर मुझे शरीर मारते गए, रुपए खाल के मस्जिद में सीधे अदालत में से ये लोग लेकर आते मुझे, ये लोग लाके जो जुल्म करे हैं इनका जुल्म की सजाए मौत है कुरान हदीस के मुताबिक, क्योंकि असली मसीह के साथ थे। मैं बोला कि अल्लाह की कसम मैंने नहीं कहा, लोगों ने कहा नहीं तूने कहा झूठ, मैला भाई मैंने नहीं कहा, क्योंकि 6 महीने तक के मैंने वादा किया था, बल्कि मैंने 8 महीने तक उसको निभाया भी। उसके बाद मैं उमायदीन को जब देख लिया कि उनको वो ना तहरीर करना चाहते हैं ना वो आगे बढ़ना चाहते हैं, तब फिर मैंने बोल दिया कि वो चीज मैं क्या, अब मैंने फोन नंबर दिया, व्हाट्सएप नंबर दिया, अगर कोई मायका लाल दुनिया में आए तो वो आए कॉन्टेक्ट करे और देखे कि मैं क्या एक्शन लेता हूँ, क्योंकि मुझे सबर का हुक्म था, मैंने सबर किया, रोजे की हालत में, तकलीफों की हालत, पढ़ा के कुछ नहीं कहा। तो लिहाजा एक बात होगी। दूसरी बात जनाब, आपने जो कहा कि मुझे जर्मनी आ जाए, मैं पहली बार तो मैं 6 साल से बिना बीवी के हूँ, ठीक है, एक योगी बना हुआ हूँ, अल्लाह के रास्ते में अपने नफ्स को संभाल कर चल रहा हूँ ताकि अल्लाह मेरी हिफाजत कबूल करे और बुराई से मैं बचूं, और इंशाल्लाह मैंने रेहम खान को मैसेज दिया है शादी के लिए और सनत पे दिया हूँ शादियों के, किस तरह जो भी अल्लाह मालिक करेगा इंशाल्लाह, मैं हराम काम से बचता हूँ हमेशा। आपने जो इंसानी के नाते कहा जर्मनी आ जाओ, भाई मेरा अल्लाह यहाँ पर भी है, वहाँ पे काफी, उसने हिंदुस्तान को दुनिया से तमकीन है, लिहाजा सारी दुनिया को इधर आना है बचने के लिए, मैं उधर नहीं आ सकता, चाहे अल्लाह ताला अगर ये होता तो करता, दुनिया में सबसे ज्यादा मुनाफिकीन मुशरिक हिंदुस्तान में अल्लाह ने जमा किए, मुझे यहीं पैदा किया, यहीं मसीह दज्जाल को जाहिर किया, मुझे चलो ठीक है, वक्त हो गया है, वक्त हो गया है, प्लीज़ वक्त हो गया है। अतः साहब आप कह रहे हैं जो कुछ कहना है फिर मैं और उसको बोलने तो दें, उसका टाइम ले लिया आपने, ये क्या मुफ्ती साहब करते हैं, उसको बोलने तो दें, हाँ वो बाद में अपने अपने वक्त पे बोले ना आप। वक्त तो दिया कर, चलो जो चलो नहीं तो जवाब, चलो चलो जवाब तो देने दे, चलो ठीक है जवाब तो देने दें, आप जवाब ही नहीं दे ऐ बीच में आ जाते हैं। हाँ
बिल्कुल मेरी बात नहीं टोकनी आपने। बिल्कुल ठीक है। क्या मैं अब 3 मिनट ले सकता हूँ आपसे? हाँ लें, आप ये लें, बिल्कुल लें, बिल्कुल लें। जी जरूर 3 मिनट लीजिए, लेकिन इसे पार कर रहिएगा, खलते मबस नहीं करना बात। आप पता नहीं जब आप 3 मिनट में अगर मैं साबित ना, आप अपने अपने 3 मिनट पूरे कीजिएगा, लेकिन सवाल का जवाब देंगे आपको पूरी पॉइंट। ओ बात तो करने दे। ओ मुफ्ती साहब जवाब तो देने दें, कितनी दफा अच्छा जवाब तो देने दें। ओए ये अच्छा दे जो अब बात समझ आ गई, जवाब देने दें। ठीक है अच्छा जी शुरू करें। मेरे पास ये हक ही नहीं है कि इनकी नबूवत पे सवाल करूं कि इनको नबी है कि नहीं है। बात खत्म हो गई। मेरी सिर्फ औकात या पहुंच एज अ इंसान, एज अ इंडिविजुअल सिर्फ इतनी है कि जो खुदा की तरफ से आए उससे ये सवाल करो भी तेरी तालीमात क्या है, तो क्या लेके क्या आया है खुदा की तरफ से, हमें वो दे दे। इसके अलावा आई डोंट क्वालिफाई टू क्वेश्चन हिम, एंड मैं ये भी क्वालिफाई नहीं करता जिसके कैरेक्टर पे मैं सवाल करूं कि तेरी बातें तो खुदा की करता है और तू किरदार तेरा ऐसा है, मारे खा रहा है, तू नमाज भी नहीं पढ़ता, दाढ़ी भी नहीं तेरे मुंह पे। मैं किसी भी चीज की क्वालिफिकेशन नहीं रखता, किसी भी मजहब से मेरा ताल्लुक हो डजंट मैटर। अगर ये खुदा की तरफ से आए हैं तो ये खुदा की बात करेंगे, अगर ये खुदा की बात करेंगे तो अहले दिल के दिल तक पहुंच जाएंगे। मुझे 3 मिनट की भी जरूरत नहीं है, मैंने ये बात अपनी खत्म कर दी है। अगर आप चाहें तो इनसे वो तालीमात लें और इनके उन नताइज पे पहुंच जाए जिस पे ये बात कर रहे हैं। ये आसान सा तरीका है, आपका कुरान भी ये कहता है, दूसरी तालीमात भी, कोई झगड़ा नहीं है। लेकिन किसी भी शख्स का आपके साथ, मुशर साहब और तमाम मेहमानों को भी मैं खत्म करके कहता हूँ, अगर किसी शख्स का आपके साथ, आपके सवाल के साथ, आपके एतराज के साथ एतराज है, तो आप बर्दाश्त के साथ उसका इख्तलाफ हक उससे छीने मत, उसको बात करने दें, उसकी बात की इज्जत करें। ना माने वो आपकी चॉइस है, लेकिन उस पे मुसल्लत मत करें अपनी राय। जी मैं इनके सवाल का जवाब दे देता हूँ जरा मुफ्ती साहब। मैं आप चलो ठीक है, मैं आप सारों की विकेट गिरा देता हूँ। पहले जब यहूदी थे तो उन्होंने इनकार किया ईसाइत का, वो लंती हो गए। फिर ईसाइत आई तो उन्होंने इनकार किया इस्लाम का, वो लंती हो गए। फिर आया ग़ुलाम अहमद कादियान, उसने किया इनकार कुछ बातों में तो वो लंती हो गया। अगर इस तरीके से देखूं तो ये शख्स जो बैठा हुआ है ये भी लंती है, क्योंकि ये भी वही बात कर रहा है जो यहूदी, जो ईसाई, जो मुसलमान और जो ग़ुलाम अहमद कादियान कर चुका है। तो इसमें और यहूदियों में फ़र्क क्या है, पहले तो मुझे ये बताएं। ये उसी डगर पे चल रहा है जिस डगर पे यहूदियों पे लानत पड़ी खुदा की, फिर ईसाइत पे पड़ी और फिर पड़ी मुसलमानों पे और फिर ग़ुलाम अहमद कादियान ने इन पे लानत डाली। तो तुमने अगर एक दूसरे को लानती ही कहना है तो मुझे पहले ये बताया जाए इस शख्स के अंदर और यहूदियों में फ़र्क क्या है। अब बात कर लेते हैं मोहम्मद साहब की, नहीं मेरे 3 मिनट पूरे होंगे तो जब बात करनी है प्लीज़, तो अभी तो 1 मिनट, अभी दूसरा मिनट शुरू हुआ है। अब जो बात करनी है वो ये कि मोहम्मद साहब कहते हैं खुदा लानत करे यहूदियों उन नसारियों पर कि उन्होंने अपने कब्रों की, अपने अंबियाओं की कब्रों को सजदा गाह बना डाला। इस मियार से इस शख्स पे लानत पड़ती है, इसके मुंह से सवाए मोहम्मद के कुछ और सुना ही नहीं जा सकता।
तो मेरा कहना यह है कि अब ये जो लानतें हैं, क्योंकि जो लानत डालता है उस पर लानत होगी, ये कुरान का मजमून है, जो नेकी करेगा उसमें से उसको हिस्सा मिलेगा, जो बुराई करेगा उसमें से उसको हिस्सा मिलेगा, तो ये अपनी मेयार के मुताबिक ये खुद ही लानती बन जाता है। लेकिन हम लानती नहीं कहते, इसलिए हम मुबारक हैं क्योंकि मुझे खुदा ने कहा है तो किसी का इंकार ही नहीं कर सकता, उसका मामला मेरे सामने है। तो ये भी मोहम्मद मोहम्मद के इश्क के अंदर फंसा हुआ है, जो मुंह खोलता है मोहम्मद की बात करता है। गुलाम अहमद कादियान भी यही करता था, इधर मुंह खोला इश्क मोहम्मदी, तो इसमें और उसमें फ़र्क क्या रह गया? गुलाम अहमद कादियान में उधर वो बैठा हुआ है गुफार, वो मुंह खोलता तो वो भी इश्क मोहम्मदी के अंदर हैं। तुम सारे गुलाम हो तो इस तरीके से तो तुम एक दूसरे पर लानत डालते हो। हम तो तुम्हारे इस्लाम से बाहर हैं, हम तो इस्लाम को बदनाम नहीं कर रहे, हम कह रहे हैं हम इंसानियत के लिए आए हैं, तो हमारा तो तुम्हारे मदद से कोई ताल्लुक नहीं रहा। तो ये फ़र्क है, नहीं वो तो देखना, मेरा वक्त अभी है 30-35 सेकंड, तो बर्दाश्त करें ना, सुने भी। तो इस लिहाज से अपना तुम भी लानती हो चुके हो और अहमदी तुम्हें लानती कहते हैं। तो अगर यही लानते डालनी है एक दूसरे के ऊपर, तो खुदा का पैगाम तो तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है। अभी खाम खां कट्ठे हो गए लानते डालने के लिए गुलामों की तरह, खुदा का पैगाम पेश करो, ठीक है? अगर वही किस्से कहानियाँ सुनानी है जो पहले इस्लाम के अंदर हैं, उसे मुफ्ती से भी पूछो, वो तुम पे भी लानत करता है, वो हम पे भी लानत करता है और इन पे भी लानत करता है। हम तो किसी के पे लानत नहीं करते, तो हम जो हैं मुबारक हैं। अच्छा जी, करें बात जी, ठीक है। ठीक है। आप मेरे अच्छा, मैं दोहरा दूँ प्लीज, आप सवाल नहीं बात सुन लेना, आप सवाल को मरोड़ के इस तरह, एक सेकंड मैम साहब, हाँ मैं देता हूँ आपको टाइम, आप सवाल को मरोड़ के मुफ्ती साहब मेरी ज़ुबान के अंदर रखते हैं, वो जवाब चाहते हैं जो आप चाहते हैं, तो लिख लें फिर मैं आपको डिबेट में जवाब दूंगा। हाँ बड़ी बात जानती है ना, तो जो डिबेट में बात करेंगे, ठीक है।
सूरह दुखान की होने वाली है और अब इसके बाद सूरज उठा निकलेगा। आओ इस्लाम की तरफ, कयामत का मैं ऐलान हूँ, मेरा आना, मेरे बच्चों का आना, निशानियां जाहिर होना, कयामत का ऐलान है। अल्लाह के नबी का देर दिन का क्या हुआ, वक्त खत्म हो गया, 2024 में पूरा खत्म हो रहा है। अब तुम्हारे पास कोई ईसा इब्ने मरियम महदी आने वाला नहीं, कोई मसीह दज्जाल आने वाला नहीं, कोई याजूज माजूज अब जाहिर होने वाला नहीं। सिर्फ अब तुम्हें अल्लाह से मरना है, अल्लाह से मिलना है। और याद रखो, हम हमारा काम करके दुनिया से जाने वाले हैं और अल्लाह ताला ही हमारा मुहाफिज है, अल्लाह ही हमारे निशानियां। वक्त हो गया है, वक्त हो गया है। कितना वक्त है? इधर तो वक्त हो गया, डेढ़ मिनट नहीं। और सुनिए, आपने कहा जनाब के सुनिए, इनकार अल्लाह नहीं कहता किसी का इनकार, तो अल्लाह कहता है शैतान के नक्शे कदम पर मत चलो, झूठ मत बोलो और हक की तरफ आओ और हक का इकरार करो और झूठ का इनकार करो और बुराई को बुराई समझो और कहो और अच्छाई को, तुम अगर बुराई कहोगे तो ये बुराई है, बुरी बात को बुरा कहना बुराई नहीं है, बल्कि अच्छी बात को हक को बुरा कहना, सच्चे को झूठा कहना, ये बुराई है। लिहाजा मेरे भाइयों, आप दोनों से भी गुजारिश है मेरे भाइयों, ये जो मामला आप लोगों का है, नबी नबी हो रहा है, ये सब छोटे मामले हैं, ये झूठे मामले हैं। ये जो है मेरा आना यूनिवर्सल मामला है, सारी इंसानियत के लिए है, सारी इंसानियत में मेरा जिक्र मौजूद है, हर अहले किताबी से अल्लाह ने अहद लिया, कोई अहले किताबी बाकी नहीं रहे। ओ तेरा टाइम हो गया भाई, वक्त हो गया है, आधा घंटे थोड़ी बोलना है। चलो ठीक है, आ गया है, चलो ठीक है। ओ समझ गए बात, बात तो खत्म कर, आगे ओ बात तो खत्म हो गई है। चलो ठीक है, वो मुफ्ती भी जहन्नम में जाएंगे। चलो ठीक है, अब खामोश हो जा, अगले को जवाब देने दे, साथ में मुफ्ती साहब को भी ले जाना जहन्नम में। अच्छा जी, आप जवाब दें। अच्छा ना ठीक है, ओ ठीक है, चलो ठीक है, अब जरा चुप हो जा। जानवरों की तरह बातें नहीं करनी, अब खामोश हो जा। वो तुझे तो ये भी बर्दाश्त नहीं कि तू बात बयान कर, अब खामोश हो जा और तसल्ली कर, कुत्तों की तरह भौंकना नहीं है। अच्छा अच्छा, आप बयान करें आता साहब। अच्छा सुन लिया बड़ी, ओ बात तो करने दे, वो तमाशा, ओ बात तो करने दे। अच्छा अभी अतर साहब, चलो माना। अच्छा अतर साहब शुरू करें। हाँ जी अतर साहब शुरू करें, ये 5-6 मिनट ले गए खाम खाम है। चलो ठीक है, हाँ वो काम हो रहा है, हाँ वो काम हो रहा है, हाँ यही है। और ये शख्स, और ये शख्स इसका भी दिमाग ख़राब है, ये इस्तेमाल। जी 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 ठीक है, बात करें। बात करें, लेकिन ये फिर भी किसी भी मजहब के किसी भी नॉन रिलीजियस आप बंदे के सामने बैठे हैं, कोई बात आप साबित नहीं कर सकेंगे आप क्या कह रहे हो। इस्लाम में शायद कोई आपकी बात सुन ले या समझ ले, तो आपकी जो तालीमात है उनकी बेस जो भी है, जो भी नुकात आपने उठाए बुक्स में थे, उनका फिजिकल डायमेंशन में कोई भी प्रूफ नहीं हो सका अभी तक इस प्रोग्राम में, कोई विकटे उठाए या गिराए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इंसान समझते हैं कोई बंदा एक मफरूजे पे चल रहा है या उसने अपनी बात का एक सफर किया है। तो मैं फिर ये बात दोहराऊंगा कि अगर आपने कुछ तजर्बा किया है तो वो आप सामने रखें, सामने की आपका काम खत्म है, और उन लोगों को बात करने दें जो कि आपसे बढ़ के खुदा के साथ उनका जिंदा ताल्लुक है और वो खुदा का मिशन चला रहे हैं, खुदा की बात शाहत लेके आना चाहते हैं, या इस दुनिया को अंबिया से भरना चाहते हैं, या बुराई को खत्म करना चाहते हैं खुदा की तर्ज से, उनको उनका काम करने दें और विकटें गिरानी छोड़ें। आप अपना काम करें, उन्हें अपना काम करने दें। तो खुदा आप सबको कामयाब करे आपकी अच्छी और सालिह कोशिशों में, और आपकी यही कोशिशें आपको अगली दुनिया में दिखाई जाएंगी। और आखिरी बात, आखिरी 3 सेकंड में यूज करूंगा कि नबी हो जाना
या खुदा का दीदार कर लेना, इट्स नॉट अ मिस्ट्री। ये तीन हजार साल पहले, 3500 साल पहले इब्राहिम ने नबी ने शुरू कर दिया, इससे पहले इनको खुदा का बेटा बेटी कहा करते थे। तो अगर कोई शख्स खुदा से मिल लेता है तो इट शुडंट बी, अचंबा नहीं होना चाहिए, इसको डाइजेस्ट कर लेना चाहिए कि चले हमारे नबी ने पकड़ में आके कह दिया ना नबी बादा, हम उसकी भी इज्जत करेंगे। लेकिन ये लोग जो कहते हैं कि नबी इनको दीदार इलाही हुआ है तो इनको मुबारक हो, खुदा हमें भी दे। तो इस पॉजिटिव अंदाज से अगर आप अपने मजहब को, अपनी तहरीक को लेके चलेंगे तो खुदा आपको बरकतें देगा आपकी रिलेटिविटी के मुताबिक। लेकिन झगड़े ना करने दें और ना ही किसी के झगड़े में का हिस्सा बने। बुक्स पढ़े, उसके बाद तजिये करें हाँ ये मदद या इसकी बात को मैंने एक्सेप्ट नहीं करना, महजब कौमों की तरह। ताकि ये जो तमाशबीन वाला ये मिजाज है ना, ये लोगों का अपने ग्रुपों में बुला के वो तमाशबीनी करते हैं, ये इनका खत्म हो जाएगा क्योंकि इनको फिर फायदा नहीं होगा। पढ़े लिखे गुफ्तगू करें, अच्छी बिल्कुल लोग समझ जाते हैं। तमाम मेहमान सारे बान का बहुत शुक्रिया। तकरीबन 1 घंटा 11 मिनट की गुफ्तगू हो चुकी है, तो आखिरी मैं ये गुफ्तगू करने लगा हूँ। तो आज की गुफ्तगू तमाम साहिबान ने सुन ली, जिस तरह से बयान किया कि फैसला अवाम खुद कर लेते हैं, बड़े समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं, तो दुनिया अब खुद मुलाकात कर लेती है। तो वो अभी कमेंट भी आ रहे थे, तो बड़ी दुनिया आप लोगों की तारीफ कर रही थी और बड़े अच्छे अल्फाज से आपको याद कर रहे थे, दुनिया उनके समझदार हो चुकी है। तो मधु साहब एक मिनट मैं आपको मौका देता हूँ। गुजारिश यह है कि आज की स्ट्रीम को यहीं पे मैं समझता हूँ एंड किया जाए। वो कहते हैं ना कि कुछ तिश्न भी रहनी चाहिए, ये ना हो कि बस बंदा जनाब सारी एक ही निश्चित के अंदर ये सब कुछ प्यार मोहब्बत दिखा दे। तो इन पांचों की जो है ना हम निश्चित करवाएंगे, तो कोशिश मैं करूंगा, मैं रबते में हूँ अब्दुल गफार जंबा साहब के, क्योंकि उनका भी दावा है, और ये क्या नाम है अब्दुल कादिर साहब मुलहम, उनका भी दावा है। तो ये तमाम दावेदारान को एक प्लेटफॉर्म पर हम ला के ताकि कुछ नतीजे तक पहुंचा जा सके। मैं एक सालस की हैसियत से हूँ। चलो ठीक है, मतलब ये कि कोई फैसला करने का मजाज अभी तक मैं नहीं हूँ। चलो ठीक है, पहले भी अर्ज किया था कि मैं आपके साथ फाइनल खेलूंगा। ठीक है अतर साहब, वो मुफ्ती साहब आखिरी बात मुझे करने दें। तो मुफ्ती नहीं जी, वारी तो मेरी है, तो उसे कैसे वक्त देते हैं? ठीक है ठीक है, मेरा आखिरी चलो ठीक है। अच्छा चलो ठीक है, आखिरी बात मैंने करनी है ना। मेरा इस्लामी अकीदा मैं पहले तकरीम की इब्तिदा के अंदर बयान कर रहा हूं कि मैं तो तुम सब के ऊपर लानत डालता हूं। ठीक है, सुन लिया। इस्लाम के अंदर किसी नए नबी या रसूल या मुलहम या किसी भी कबीले के दिल्ली ग्रोजी अलम परलम करना किसी की गुंजाइश है ही नहीं। तो बड़ी माजरत के साथ ये मेरा इस्लामी अकीदा है और मेरे जज्बात है जिनका मैंने इजहार किया है। चलो ठीक है, वक्त आएगा, डिबेट होगी तो उसके अंदर वादे हो जाएंगे। चलो ठीक है, रोक नहीं सकते कि ये तुमने अपना इस्लामी अकीदा क्यों बयान कर दिया, क्योंकि ये मेरा वो अकीदा है जो के रोजे रोशन की तरह पिछले 1500 साल से आया है। ठीक है ठीक है, डिबेट करेंगे तो हम बात होगी। आखिरी बात मुझे करने दें। हम देख रहे हैं कि आप क्या फैसला करें। आखिरी बात, आखिरी गुफ्तगू बारी बारी सबको मौका देता हूँ। ठीक है, अब मेरी बारी है। पहले तो इस शख्स को मैं कहूँगा जिसका ये दावा नबूवत है, मुफ्ती का प्रोग्राम है कि अपना सब्र से बाहर निकल के कुत्तों की तरह भौंकें और ये दुनिया को दिखाए। तो वो काम तो तुमने कर दिया है, ये कादियानियों का देख ले, देख ले,
कादियानी मैं मुझे बोलने दे, ऐ पंगा देते हैं। अच्छा चलो ठीक है, चलो चलो ठीक है। चलो ठीक है ठीक है, चलो नहीं नहीं मैं बात खुल के बता रहा हूँ ना। हाँ चलो चलो ठीक है, मैं वो बात तो करने दे। ओ अच्छा बात तो करने, अच्छा तहजीब के दायरे में, तहजीब के दायरे में लाजमी बात है। हाँ जी मैं बोलता हूँ। अच्छा मसला ये है कि इन सबको कहें या कि आप ऐसे बाहर नहीं होना, वरना काम फिर मुफ्ती साहब का ही हो रहा है। अच्छा अब इस शख्स के बारे में ये है, ये दरोगा नहीं है कि सबको झूठा करार दे और खुद सच्चा बन जाए। और ना मुफ्ती साहब, हम आपको जनती मखलूक समझते हैं, हम भी आपको जहनमी मखलूक समझते हैं, तो फिक्र ना करें इस मामले में। बाकी ये शख्स रह गया तो इस शख्स पे ये खुद ही झूठा साबित हो जाता है, क्योंकि ये जब हमें झूठा कहेगा तो खुद ही इस पे ये लानत पड़ जाती है। तो ये तो यहूदियत, ये ईसाइत, ये इस्लाम, ये अहमदियत, ये एक दूसरे पे लानत डाल चुके हैं और इन पे लानत पड़ चुकी है। अब रही डिबेट की बात, जब आप डिबेट करें तो एक वन टू वन के साथ करें डिबेट आप, ताकि ज़रा मामला जो है वो साफ हो, आपका भी पता लगे ना कि क्या आप कितने अहले इल्म। ओ जी मेरा काम वक्त, चलो फिर आपने ही बोलना है। चलो ठीक है बोले फिर। और मैं आपको शीशा दिखा रहा हूँ, मैं आपको आपका आईना दिखा रहा हूँ, आपका आईना। नहीं मुफ्ती साहब, मुफ्ती साहब मैं आपको आईना दिखा रहा हूँ। ठीक है मुफ्ती साहब, आपके मुतल्लिक भी यही है लोगों का ओपिनियन, आपको भी लोग देखे जी। मुफ्ती साहब तो नबी बन गए आप, तो फिर आप भी नबी हो गए। उधर कह रहे हैं कि मेरा जीना, तो मेरी सुन लिया करें ना। और मेरी बात मुझे तो वक्त दे ही नहीं रहे, आपने दो मिनट मेरे ले लिए, दो मिनट लिए आपने मेरे, और मुझे वक्त दें अपना। हैं जी नहीं मेरा वक्त तो दिया ही नहीं, मेरा वक्त तो रह गया बीच में मुफ्ती साहब की अल्लाह जीनियों के अंदर। चलो ठीक है, चलो ठीक है।
बजे यानी पाकिस्तान के 3 बजे और राहे साहब भी मौजूद होंगे, ये उस वक्त करिएगा। ना ना मधु साहब को भाई इतना इतना नहीं है, इतना नहीं है। आखिर में अतर साहब तशरीफ लाते हैं अपने जज्बात के साथ। मेरा तो वक्त ले लिया आपने, अब चले गए हैं। अतर साहब दोबारा अगर ज्वाइन कर सकते हैं तो आप करें। अतर साहब आतर साहब यहीं पे है, मेरा वक्त खा जाते हैं मुफ्ती साहब, आप तो इंसाफ भी नहीं करते। अतर साहब हेलो, राय साहब अतर साहब चले गए हुए हैं, वो पता नहीं क्यों चले गए, लेकिन आप मेरा वक्त खा गए। चले कोई नहीं, आप बात कर लें तो फिर स्ट्रीम खत्म करते हैं, कल 3 बजे फिर आप हजरात में तशरीफ लाना। ठीक है, आप ऐसा करें मुफ्ती साहब, मेरा वक्त खा जाते हैं, आप ऐसा करें कि एक मज़मून सामने रखें और उस मज़मून के नबूवत का मकसद क्या है या नबूवत का मज़मून क्या है, और जब खुदा नबी भेजता है तो उनसे चाहता क्या है, कोई ऐसा मज़मून रखें। वही पुरानी बातें दोहराना, वो आखिरी नबी हैं, वो ये हैं, वो हैं, तो इसे बात नहीं बनेगी। किसी ईसाई को भी लेके आएंगे तो उसने भी यही बात करनी है, उसने रट्टा लगाना है ईसा का। तो आप कोई ख़ास मज़मून रख के उस पर फिर कहेंगे जी बोलें, तो मेरे ख्याल में ये बेहतर रहेगा। और मेहरबानी करके आप बीच में टांग ना अड़ाया करें, पंगे लेना शुरू कर देते हैं और टाइम ज़ाया कर देते हैं, तो ये मे चलो ठीक है, चलो ठीक है। अतर आ गए, आ गए अतर जी। मुफ्ती साहब तो बहुत शुक्रिया, आपने एक बार एक और दिन मौका दिया। आपने मेरे प्रोफाइल पे नाम लिखा है जर्दी में, ये किसकी इजाजत से लिखा है? आपको यहाँ पर सिर्फ एक मेन पॉइंट के फीस से बैठे हैं नहीं, ये बदले इसको चेंज करें अभी, आपने मेरी इजाजत के बगैर मेरा प्रोफाइल नेम चेंज कर दिया जी। अतर साहब ये एक डिबेट हो जाएगी, मुकालमा हो जाएगा, मुबासा हो जाएगा, मैं आपके नाम सवाल है, मैं सवाल पूछ रहा हूँ, उसका जवाब है सिंपल, आपने मेरी इजाजत के बगैर जो यहाँ पे मेरा नाम गलत क्यों लिखा है? आप अपनी इजाजत को अपने पास ही रखिए, अगर कोई आपने पैगाम देना है तो दे लें, नहीं तो आप जा सकते हैं। ठीक है जी, आपको सवाल का जवाब मुझे बदमाश हो। हाँ ये बदमाश भी आएगा। ओ भाई हम भी तो आपको कुत्ता समझते हैं, हम आपको सुअर समझते हैं, हम कौन सा आपको कम समझते हैं। वालेकुम, चलो जी अच्छा, और ये सुअर साहब भी आ जाए, आप खुद भी, आप मुफ्ती भी साहब भी सुअर हैं हमारे लिए, तो आप भी आ जाए, फिर बातचीत हो जाएगी।